साथियों, आज हमारा वन विहार का टूर है आरएसएस के साथ। वहाँ पर बहुत सारे लोग जाने वाले हैं जंगल में। वहाँ पे खाने पीने का प्रोग्राम भी है, घूमेंगे। और वहाँ पे एक बहुत पौराणिक और पुराना स्थान है जिसको हम बाण गंगा के नाम से जानते हैं, जहाँ पे भगवान राम ने अपना बाण मारकर गंगा जी की उत्पत्ति की थी। वहाँ से आज भी निरंतर पानी निकल रहा है, बहुत अच्छा पानी है, पीने लायक है। तो आइए चलते हैं आज वन विहार की यात्रा पर, और आप लोग को दिखाते हैं पूरे वन का नज़ारा, पूरा जंगल का नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा रहेगा ये तो वहाँ पहुँचने के बाद ही देखेंगे। चलिए चलते हैं जब तक वन विहार के लिए। वन विहार का कार्यक्रम है, सभी लोग बस में हैं, अभी तो हम रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ज्यादा रास्ता भी खराब है, उबड़ खाबड़ है और पहाड़ी एरिया है। आपको पहाड़ी एरिया का भी पूरा लुक दिखाएंगे, नजारा दिखाएंगे। साथी, हम लोग पहुंच गए। देखिए, हमारी बसें आके यहाँ पे खड़ी हो गई। सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की बस है। गर्मी हो चाहे सर्दी, अरे वाह, अरे साहब नीचे सी अलग करनी पानी। और यहाँ पे कौन सा खेल हो रहा है इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। ये भाई साहब जाएंगे, अभी भाई साहब जा रहे हैं। चौहान चलिए आप कीजिए, बहुत सुंदर, वाह। नारा लगवाते जाइए एक बार। सभी लोग अपने अपने खेल में बिजी। लंच की व्यवस्था इधर है, पूरा जंगल एरिया है। दोस्तों, यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। खेल खेल के सब लोग थोड़ी थक चुके थे, तो भगवान हनुमान चालीसा पाठ करने लगे हैं। एक एक छोटा बच्चा योगासन करवा रहे हैं। सब
एक नया खेल नेता की खोज। अब इसमें जितने बैठे हैं एक नेता बनाया जाएगा, वो अपना नेता खोजेगा। दोस्तों इधर लंच की व्यवस्था हो रही है, सभी को खाने के लिए लंच तैयार किया जा रहा है और इधर खेल चल रहा है। दोस्तों वन विहार के कार्यक्रम में एक खेल कूद का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें देखिए हमारे सामने बहुत से लोग जो अपने साथ आए हुए हैं, ये सब लोग एक खेल खेल रहे हैं और अभी सब दौड़ रहे हैं। देखते हैं कौन सा खेल है, मैं भी आज पहली बार देख रहा हूँ इस खेल को। साथी वहाँ सुबह से ही लगातार घूम रहे हैं, पूरी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। सभी दोस्त लोग आए हुए हैं साथ में, समथिंग 150 लोग हैं हमारी टीम में। और अब एक नया खेल खेलने के लिए फिर से जा रहे हैं और इस बस में हम लोग आए थे, कई गाड़ियां भी आई हैं जिसमें 50-50 लोग अपना टीम बनाकर आए हुए हैं। साथियों कोल्हुआ का जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, इतना विशाल जंगल के कि अगर इसके बीच में घुस जाओ तो बाहर निकलने का रास्ता भी बहुत मुश्किल से ही ढूंढ पाएंगे। देखिए कितने लंबे लंबे पेड़ हैं और ये पूरा पहाड़, बहुत विशाल जंगल। मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा जंगल देख रहा हूँ, बहुत जगह घूमे लेकिन इतना बड़ा जंगल नहीं देखे। देखिए मैं चारों तरफ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक कुंड है जो प्राकृतिक पानी, भगवान राम ने अपने धनुष बाण से यहाँ पर पानी निकाला था, जो कितने युगों से लगातार निकलता चला आ रहा है। शुद्ध पीने लायक पानी है, लोग इस कुंड के बाहर स्नान करते हैं और इसी कुंड का पानी खाना बनाने और पीने के लिए भी यूज किया जाता है। आइए मैं आपको पूरा कुंड दिखाता हूँ। साथ ही यही पूरा कुंड है और इस जगह से ही पानी निकलता है। ठीक पीछे एक पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, बहुत घना जंगल है, जंगली जीव भी हैं। और ये मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है भगवान बजरंगबली का। और ये बहुत ऊंचा पहाड़ है, मैं आपको पूरा पहाड़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत ऊंचा पहाड़, बहुत घना जंगल है। बलिदान किया है, त्याग किया है और उसी के बाद सरकार ने एक कठोर एक्शन लेते हुए कोल्हुआ बाबा आश्रम में आए हुए हैं। साथियों जंगल की तरफ घूमने जा रहे हैं, भ्रमण के लिए चल रहे हैं। ये सब कोल्हुआ बाबा का बाण गंगा उद्गम स्थल है, यहाँ पे स्थित है। इस बाण गंगा उद्गम स्थल में स्वच्छ पानी मिलेगा आपको, जो पीने लायक से भी ज्यादा अच्छा होगा।
Oh,